यहाँ सेशन में बैठ के आपको मिलता है कि क्या हम गलत कर रहे हैं, कहाँ हमें करेक्शन करने चाहिए, कहाँ सुधार की जरूरत है। वो जब मिलती कई कोर्सों को पता है तो आज एक बढ़िया से कोर्स हमारे साथ में, उनके खुद से बहुत बढ़िया रिजल्ट है, बहुत फैंटास्टिक रिजल्ट है और कुछ नई चीजें वो हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। तो एक बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे जितना जी के लिए। ओवर टू जना जी। नमस्ते सर, नमस्ते सभी को। थैंक यू करना चाहूंगा मेंटर पारी सर का, मुझे बोल मौका मिल रहा है। तो दोस्तों, मैं आज उसी के बारे जो प्रॉब्लम से मैं बाहर आया हूँ। मेरे को शुगर की प्रॉब्लम थी जो 350 प्लस रहती थी। इस हिसाब को मैंने भी ऐसे ही बैठ के देखा था एक रूम और अपना डिसीजन लिया था। और इस अच्छे सेशन में बैठ के एक अच्छे खाना खा के अपना रिजल्ट लिया जो आज हमारी शुगर लेवल में रहती है। उसके बाद जब हमारा रिजल्ट, तो मेरी वाइफ को भी साटिका का पेन था। मैंने परिसर से बात करके उनको भी इसी खाने को खिलाया और कुछ टारगेट न्यूट्रिशन जो है करके वो साटिका के पेन से आज बाहर। पहले वो कपड़ा धोने के बाद जो है छत पे कपड़ा फैलाने के लिए टपका ले जाने में बहुत प्रॉब्लम होता था। कई बार बच्चे आँखी चढ़ाते थे तब वो फैला के आती थी। आज वो सेशन में एक्सरसाइज भी करती हूँ। 17 kg क्लास उन्होंने किया है और 7 kg वेट क्लास मैंने किया, 11 kg वेट क्लास किया है। तो पूरा परिवार इस न्यूट्रिशन को यूज करता है और फिट एंड फाइन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शुगर की। आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी, परफेक्ट आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। तो आज हम बात करेंगे शुगर के बारे में कि शुगर क्या। दोस्तों, हमारे ब्लड में जब ग्लूकोज की ज्यादा हो जाती है तो हमारा जो लेवल है शुगर के अंदर जो होना चाहिए लिमिट के बाहर होने लगता है, तो हम कहते हैं कि इस बंदे को शुगर है। एक्चुअली शुगर होती क्यों है? हमारे अंदर एक जठराग्नि होती है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है और इंसुलिन पैदा करती है, जिससे हमारा शरीर जो है एक्टिव रहता है और एक लिमिट में जो है हमारा तो हम फिट रहते हैं। अब शुगर कितने टाइप की होती है तो हम बताना चाहेंगे कि शुगर जो है दो टाइप की होती है। 20 बिलो लोगों को टाइप 1 शुगर होती है और जो 20 प्लस होते हैं उनको टाइप 2 शुगर होती है। अब शुगर के लक्षण क्या है, हम कैसे पता चलेगा कि हमें शुगर हुआ है? तो दोस्तों, जिस पर्सन को शुगर का लेवल ज्यादा होता है उसको बार बार प्यास होता है और साथ में यूरिन पास जो है पास करने की भी महसूस होती है और उसके बिहेव में कुछ चेंज दिखने लगता है, जैसे वो बात बात में जो है गुस्सा हो जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाती है और आंखों पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। जो है धुंधली होने के लिए मतलब हो जाती है। तो ये होती क्यों है, शुगर जो है होती क्यों है? तो ऑलमोस्ट इसके जो है बहुत से रीजन है और उनमें से जो 3 रीजन है वो शुगर होने के बहुत खास है। एक तो हमारी लाइफ स्टाइल, दूसरा हमारे खान पान का तरीका और तीसरा हमारी जो जॉब की प्रोफाइल है। इन तीनों पे ज्यादा डिपेंड करता है। दोस्तों, हमारी लाइफ स्टाइल, पहले हमारी लाइफ स्टाइल जो होती थी हम सुबह उठते थे, उसके बाद सोने के लिए भी 1 किलोमीटर जंगल में जाया करती थी, खेतों में जाया करते थे। तो हमारी एक्सरसाइज चहलकदमी हो जाती थी जिससे हमारी नस नाड़ियां जो भी पूरी मूवमेंट में होती थी। आज क्या है, हम एक कमरे में सोते हैं और उठते ही जो है बगल के कमरे में हम फ्रेश होने जाते हैं, सही ढंग से हम फ्रेश नहीं पाते जिसकी वजह से कब्ज बनी रहती है। तो ये भी शुगर का एक कारण है। दूसरा, हमको लाइफ स्टाइल है कि हम पहले जल्दी उठते थे और खेतों में जाते थे, कुछ लोग जो है अपना हर बैग जो भी एक एक्टिविटी के थ्रू जो है वो करते थे। आज क्या, ये एक्टिविटी बिल्कुल खत्म सी हो गई है जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो एक्टिवपन है वो बिल्कुल ना के बराबर है और जाप की वजह से हम टहल घूम भी नहीं पाते इतना, ये भी एक रीजन है। दूसरा, पहले क्या होता था कि घरों में औरतें जो है धान से चावल बनाने के एक यंत्र होता था जिसका नाम था ढीकी और आटा पीसने के लिए चक्की होती थी जिसको हम जात बोलते थे, तो उनका एक्सरसाइज वहां से होता था जिससे वो ऑलमोस्ट फिट रहते थे। आज क्या है, वही चावल जो है सेलर से जो है बना के जो है धान से चावल घरों में आता है मार्केट में। आटा हमारा चक्कियों का हो गया, जो पहले चोकर हम बहुत जो है खाते थे अपने आटे में जो है रोटी के थ्रू, आज वो भी आटा इतना बारीक पीस दिया जाता है कि चोकर हम छाने तो भी नहीं निकलता,
या जल के जो है बाहर हो जाता है, उसका जो भी फाइबर है वो उससे रहता नहीं। तो ये हमारी लाइफ स्टाइल है। दूसरा हमारी जो जॉब प्रोफाइल है, पहले क्या था, हम जो भी काम करते थे वो दिन में ही करते थे, चाहे हल चलाना हो या जो खेतों का काम है वो दिन में होता था। अभी क्या है, हमारी ड्यूटी होती है 24 आवर, मशीनें चल रही है, हम शिफ्ट में जाते हैं, तो जो हमारे वर्क का तरीका है वो चेंज हो गया है। तो वजह से हम नाइट ड्यूटी करते हैं, रात में हमें सोना चाहिए, हम दिन में सोते हैं। दिन में क्या है, हम साउंड स्लीपिंग नहीं ले पाते, कुछ न कुछ स्ट्रेस बना रहता है, कंपनी का वर्क ऐसा होता है जिससे कि स्ट्रेस बना रहता है, हमारा जो टारगेट है वो फेल ना हो जाए, ये हमारा बॉस बोलेंगे। अभी हम नाइट करके आए, बी में बुला लिए, हमारी नीड पूरी नहीं हुई, हम अगले ड्यूटी के लिए तैयार हो रहे हैं। तो हमारा क्या प्रोफाइल है वो भी कहीं ना कहीं हमारे शुगर को बढ़ाने में जो है अहम भूमिका निभाती है। लाइफ स्टाइल को हमने बताया, हमारे खाने पीने का तरीका भी चेंज हो गया है। पहले हम करते थे, उससे ही फ्रेश होते थे, खेतों में जाते थे, वहां थोड़ा बहुत काम किया, फिर आया नाश किया, उसके बाद फिर जो है पढ़ने चले जाते थे, या किसान है तो फिर खेतों में चले जाते थे, आने के बाद 1 बजे खाते पीते थे, 1 घंटे जो है आराम करते थे, क्योंकि खाना अच्छी तरह डाइजेस्ट हो जाता था, और फिर जो है कुछ हल्का फूड लिया, जैसे गांव में होता था भुना हुआ चना होता था, खाड़ की रस होती थी, अपना खा पी के निकल जाते थे। उसके बाद शाम को आते थे, तो मैक्सिमम लोगों का खाना 8 बजे से पहले पहले हो जाता था, तो हमें टहलने का भी मौका मिल जाता था। लोग बैठ के चौपाल पे 1 घंटा बातें करते थे और मैक्सिमम 9 बजे तक सो जाते। तो हमारे खाने पीने का, उठने बैठने का, ये सारे तरीका पहले के अपेक्षा आज जो है ये मशीनरी के थ्रू हो गया है, जिसकी वजह से हमारी चहलकदमी, अब कोई भी गेट पे आता है दरवाजे के लिए तो हम बच्चे को बोल देते हैं बेटा दरवाजा खोलो, यानी अगर हम आगे दरवाजा खोलते तो कुछ हमारी चहलकदमी होती, हमारे शरीर एक्टिव रहते। लेकिन अब यह एक्सरसाइज, ये सारी चीजें ना के बराबर हो गई। कुछ लोग है जब किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं, डॉक्टर बताता है कि आप टहला करो, तब टहलना उनकी मजबूरी हो जाती है, वो उनका लाइफ स्टाइल नहीं होता बल्कि उनकी एक मजबूरी हो जाती है। टहल पहले क्या था, हमारे घरों में दूध है, चने है, उबले हुए लाई वगैरह है, ये सब नाश्ते के तौर पर हम यूज करते थे, छाछ है या खेत में खीरा है, ये सारी चीजें जो है हम यूज करते थे। आज क्या है, हम उठते ही चाय पीते हैं, नाश्ता हमारा पराठा से शुरू होता है, टेस्टी हो गया तो 1 की जगह 2, 2 की जगह 3 भी खा लेते हैं और पूरी परेशान रहते हैं। तो हमारी लाइफ स्टाइल, खाने पीने का तरीका या आपकी प्रोफाइल, ये हमारे शुगर के लेवल को बढ़ाने में बहुत ही अमेजिंग भूमिका निभाती है। मैं ये नहीं कहता कि शुगर जरूरी नहीं है, शुगर भी जरूरी है, एक लिमिट के अंदर शुगर भी हमारे शरीर को चाहिए। तो हम डायरेक्ट रिफाइनरी द्वारा शुगर बनाई जा रही है उसको ना लेके, जिन में सब्जियों में शुगर पाई जाती है हम उनको यूज करें, चीकू है, ये सब सारी चीजें जो है हमें वहां से चीनी की पूर्ति करती है। दूसरी चीज, शुगर को बढ़ने में हमारा फाइबर जो है बहुत अहम रोल निभाता है। क्या है, हमारे खाने पीने में फाइबर बिल्कुल ना के बराबर हो, जिसकी वजह से भी हमारा शुगर का स्तर बढ़ता है। अब फाइबर कहाँ से मिलेगा, हम जो पहले आटा यूज करते थे उसमें चोकर होता था, वहां से फाइबर, तो अगर हम अपने आटे को थोड़ा मोटा यूज करें और उसमें से जो उसका छिलका होता है उसको ना छाने तो वहां भी हमें फाइबर मिलेगा। मौसमी का जो जूस हम पीते हैं तो उनके रस को पीते हैं, जो असली फाइबर है उसको फेंक देते हैं, उसी फाइबर को हमारे पशु खा के कितने तंदुरुस्त होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि वो जूस ना पी करके उस संतरे या मौसमी के हवे को खाना चाहिए, और उसमें जो रेशे निकलते हैं वो फेंकना नहीं चाहिए, वही हमारा असली फाइबर है। तो फाइबर युक्त जो है संतरे या उल्टे सब्जियों को यूज करना चाहिए। दूसरा, जो हम भुना हुआ ना खाते हैं तो उसके छिलके को फेंक देते हैं और वही असली हमारा पता है, तो उसको हमें फेंकना नहीं चाहिए बल्कि उसके साथ खाना चाहिए। दूसरी चीज, अगर हमारे शरीर में शुगर की लेवल कम होती है तो भी हमें प्रॉब्लम होती है,
एक लिमिट से अगर शुगर हमारी कम हो, हमें ऐसा लगता है कि काला पीला सा दिखने लगा चलने में या खड़े होने में, हमें जो है चक्कर महसूस होने लगते हैं, और कई बार जो है मीठे की कमी से हम माइग्रेशन में भी चले जाते हैं। तो एक लिमिट के अंदर हमें शुगर की भी जरूरत होती है, तो उस शुगर को हम फलों और सब्जियों से पूर्ति करें। दूसरा, अपने शरीर को एक्टिव रहने के एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, और ये करने के दौरान शरीर के अंदर से पसीने निकलने चाहिए, तो हमारा जो बढ़ा हुआ शुगर का लेवल है वो मेंटेन होता है। दूसरी चीज, जब अधिक मात्रा में हम शुगर इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर फैट भी बढ़ जाता है, इससे हार्ट अटैक की बीमारी, कैंसर की बीमारी, मधुमेह की बीमारी और ब्रेन स्ट्रोक की बीमारी होने के बहुत ही चांसेस बढ़े जाते हैं। सफेद चीनी जो रिफाइन किया हुआ है, इसको तो बिल्कुल ना के बराबर अगर हम यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। सफेद नमक है, इसको भी हम यूज करें, इससे हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे। जो महिलाएं हैं उनके खाने पीने अंदर दिन भर में कितनी शुगर की मात्रा होनी चाहिए एक दिन में, तो 20 से 25 ग्राम महिलाओं को और 30 से 35 ग्राम जो है उसको एक दिन में शुगर की आवश्यकता होती है अपने कार्य को सुचारू करने के लिए। हमें जो मिनरल है और विटामिन है, ये क्या है, जब रिफाइनरी द्वारा शुगर को बनाते हैं तो ये उसमें से निकल, इसकी मात्रा जो है बाहर हो जाती है, जिससे हमें ग्लूकोज, लवण, विटामिन नहीं मिल पाते। तो हमें दो फल ये सब चीजें यूज करना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर में शुगर का लेवल बना रहे। दोस्तों, मैं बताऊंगा कि इन सब चीजों को यूज करते हुए हमारे जो हर्बल लाइफ ने शुगर को लेवल करने के लिए बहुत ही अच्छा टैबलेट फार्म में फाइबर का स्रोत जो है दिया है, जिसको लेके अपने शुगर को मेंटेन रख सकते हैं। और हमारे सेशन की बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है कि शुरू में शरीर को वार्म अप करते हैं, उसके बाद लोगों का रिजल्ट सुनते हैं, मोटिवेट होते हैं, वहां से अपने रिजल्ट गेन करने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है और साथ मिलती है, जिससे कि हम अपने रिजल्ट की तरफ अग्रसर होते हैं और अपना रिजल्ट जो है देते हैं। इसमें कुछ ना कुछ डे बाई डे हमें जानकारी मिलती है अपने शरीर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। और जब हम यहाँ आए अपना रिजल्ट लिए, तो किसी न किसी पर्सन के थ्रू, यानी उन्होंने हमारी मदद की, तब हम अपने रिजल्ट को ले पाए। तो हमें भी कोशिश करना चाहिए कि जितना मैक्सिमम लोगों की हेल्प करें, तो इससे क्या है, हमारा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक रिस्पेक्ट बढ़ती है उनके नजरों में, यहाँ मैंने इतने लोगों का मदद किया। तो दोस्तों, मेरा यही था आज का टॉपिक, आई होप कि कुछ मैंने दिया होगा अपनी तरफ से। थैंक यू सर, ओवर टू पारी सर। और आज वो बेटर तरीके से न्यूट्रिशन की मदद से बैलेंस रख पा रहे हैं। न्यूट्रिशन जरूरी है, ये चीज हम सबको समझनी। सबसे पहले कितने लोग आप शेक पीते हैं, फॉर्मूला में शेक कितने लोग पीते हैं? आपके फलों से भी लो जीआई का एक कंप्लीट आहार आपको देता है। और अगर किसी को डायबिटिक ना हो या कोई डायबिटिक है, दोनों ही केस आपको लो जीआई मील खाना चाहिए, जहां हम हाई शुगर की बात कर रहे हैं, ठीक है। It helps to control your sugar, but we don't claim कि हाँ shake पीएंगे sugar ठीक होगा। ये ऐसा nature है इसका कि low GI मिले तो ये support करता है आपके sugar को balance रखने के लिए। साथ में एक contains activated fiber tablet, तो उसका भी nature आपके sugar को और blood pressure को normalize रखने का होता है। जो लोग ऐसे हैं वो इन nutrients को जरूर continue करें, right? जहाँ बात आती है low sugar की, जिनकी sugar low रहती है उनको मीठे की मात्रा add करने की जरूरत पड़ती है। low sugar हो या high sugar हो, symptom जो बॉडी में आते हैं वो equal आते हैं, but हमारा शुगर एक रेंज के अंदर ही होना चाहिए। अच्छा खान पान, अच्छा लाइफस्टाइल, फिजिकली अपने आप एक्टिव रखना, दिन भर चल फिर रहना, इन सारी चीजों से हम अपने शुगर को बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन रख सकते हैं। आज के समय पर कम एज में भी शुगर बढ़ने की समस्या ज्यादा लोगों को हो रही है,
ऐसा नहीं है कि पहले होता था कि 60 साल 70 साल के हुए तो शुगर की प्रॉब्लम जाती थी, आजकल 30 साल की उम्र में शुगर हो रही है, राइट। आजकल जो बच्चे हैं उनको टाइप 1 डायबिटीज देखने को मिल रही है, इनके बहुत सारे कारण है, हमारा एटमोसफियर, हमारा खाना पीना, तो आपकी बॉडी के जो ऑटो इम्यून सिस्टम है उसको बेटर करने में मदद होती है, आप अपने ब्लड शुगर को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, यहाँ हम शुरू एक्सरसाइज करते हैं। थैंक यू सो मच जनाजी, बहुत बढ़िया टॉपिक था, फैंटास्टिक, एंड समय हो चला है सेशन क्लोज करने का, तो मिलेंगे कल सुबह ठीक।